नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। देश में कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। कोरोना ने स्कूलों पर भी हमला बोल दिया है। महाराष्ट्र में एक नवोदय स्कूल में कोरोना का विस्फोट देखने को मिला है। अहमदनगर में स्थित नवोदय स्कूल के 19 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। छात्रों के कोरोना संक्रमित होने से स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सभी छात्रों को क्वारंटीन कर दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि जिले के परनेर तहसील के तकली डोकेश्वर गांव में स्थित आवासीय विद्यालय नवोदय विद्यालय नेटवर्क का हिस्सा है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्कूल में 5वीं से 12वीं कक्षा के 400 से अधिक विद्यार्थी हैं। वहीं जिला अधिकारी ने कहा कि पिछले 3 से 4 दिनों में 19 विद्यार्थी संक्रमित पाए गए हैं। सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संक्रमित छात्रों में से अधिकांश में बीमारी के कोई लक्षण नहीं है, कुछ में केवल हल्के लक्षण हैं। बता दें कि स्कूल खुलने के बाद छात्रों के संक्रमित होने के कई मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में हाल ही में कई छात्र कोरोना की चपेट में आए थे। हाल ही में पश्चिम बंगाल के एक नवोदय स्कूल के 29 छात्र कोरोना संक्रमित हो गए थे। तो इसके अलावा चिकमंगलूर के नवोदय आवासीय विश्वविद्यालय के भी 103 छात्रों को कोरोना संक्रमण हो गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।